आज हम चाय पे चर्चा बाहर बैठ करके करेंगे, और इसमें हम आपको जो हम सैंडविच बना के खाते हैं पाव के साथ में, आज वो बना के भी दिखाएंगे। अगर आप लोगों भी चाहो तो बना सकते हो। मुझे बहुत, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। और हम वैसे भी लेट हो गए क्योंकि अभी बहुत शोर आ रहा था इधर से, पर अब वो ग्रुप चले गया है नहा धो करके, पार्टी वार्टी करके अपना। सुबह सुबह 10 बजे से ही पार्टी, बहुत वो लाउड म्यूजिक होता है ना, वो कौन सा बेस वाला, क्या बेबी को बेस पसंद है वो वाला बेस, वो धम 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 धम। मैं तो पीछे वाले कमरे में जाके सो गया, तो फिर भी काफ़ी शोर आ रहा था। फिर लैंडलॉर्ड ने जाके टोका उनको, तो फिर उन्होंने वॉल्यूम कम किया। और तो ये यहाँ पर हम यहीं पर बैठ के बनाएंगे, यहीं पर हम चाय पियेंगे। सोना पहल जो है वो स्कूल गए हुए, और टॉनी येरा। चलो अब आपको हम, मैं इसको कट नहीं करना चाहता, मैं एक्चुअली चाहता हूँ वन शॉट में ही ये वीडियो डले। अगर मैंने कट कर दिया तो मुझे एडिट करना पड़ेगा, फिर वो बड़ा लंबा झंझट हो जाता है, और मैं बड़ा आलसी हूँ। सोचो इस समय 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं चाय पी रहा हूँ, तो आप लगा लो कि मैं कितना शुद्ध रूप से आलसी हूँ। और अष्टावक्र ने कहा था कि जो शुद्ध आलसी है उसी को ही ज्ञान प्राप्त होगा जिसको, और वो आलसी तो मैं अभी उस लेवल पे हूँ ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि जिसको जो पलक झपकना भी एक बहुत बड़ा काम लगे वो है शुद्ध आलसी। मतलब अष्टावक्र में शुद्ध आलसी की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है, धूप निकल रही है अभी, मिली धूप सेक रही थी, और गर्मी है बहुत। जब इस समय तो नॉर्थ इंडिया में अच्छी जबरदस्त ठंड चल रही होगी, आवाज भी क्लियर आ रही होगी, ऐसे धूप में तो बैठा नहीं जाएगा बॉस, धूप में बैठना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बैठ करके, धूप तेज हो रही है यार, धूप तो बहुत आज चुभ रही है ना, चाय आ गई। ऐसे सेट करूँ कैसे, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैमरे को ना इस तरफ रखो, इधर की तरफ, ये चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ना कट नहीं करना चाह रहा, तो ये ऐसे में ही छाँव में मैं बैठ जाऊंगा। इसको भी छाँव में कर लूँ इसको, क्योंकि कट हो गया ना फिर वो वीडियो मेरे को। तू तो इधर जमीन पे बैठी हो ना, तू क्या करेगी कुर्सी, मैं जमीन पे राजा के बैठी हूँ। सामने अरे तुम राजा जी बराबरी का में कैसे नाश्ता बैठोगे। रखना है। अच्छा नाश्ता रखना है, थोड़ा सा उधर करो उसको। पूरा व्यू चले जाएगा पीछे का, व्यू गया पीछे, कौन सा व्यू है। तो ये है पाव, ध्यान और रखना। देखो कितने सॉफ्ट है पाव, दिखाऊं मैं, ये पाव बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये इसमें हम इसको काटेंगे, इसमें बटर लगाएंगे, ये टमाटर है, पत्ता गोभी है, कैबेज, ठीक है, और पनीर के स्लाइस है, और ये नॉर्मल पनीर नहीं है, ये मतलब जो टॉप क्वालिटी का पनीर होता है, जो सबसे टॉप जिसमें हाई फैट और वो क्या होता है प्योर उसका बनता है, ये वो वाला पनीर है। इसको पकड़ देख, वो डोडो भी आ गया, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। टोनी इन्हें दिख गया कि सैंडविच बन रहा है, पागल हो गया अभी। ये सब, ये सैंडविच जो है ये सबका फेवरेट है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब आ गए, टॉनी वो रहा, जेरी ये रहा, डोडो ये रहा, मिली बाहर बैठी है। तेरा माइक कौन है, हाँ किया। ये वायरलेस माइक लेके आया, पर इसमें एक लाइव में भी तो कनेक्ट हो गया था ना कल। हाँ हाँ कल मैं लाइव हुआ था मनीष नथिंग चैनल पर, तो लाइव में भी कनेक्ट हो गया था। उस बल्कि अच्छा काम किया। जैरी गरम चाय है यार एकदम,
जेरी अपनी पूंछ संभाल लियो, काट दूंगा पूंछ। देख सबके मक्खन की तरफ देख ले इनकी आंखें। अब हम इस पे बटर लगा रहे हैं, बटर वही अपना नॉर्मल अमूल का। दिखाना मैं लगा के देखो, ये ऐसे। और दे बटर, हमेशा ज्यादा बटर वाला जो है वो मेरा ज्यादा बटर वाला बनाया करो, समझे। बचपन में ना मम्मी ना ब्रेड पे बटर लगा के देती थी, तो कैसे हमारे घर में बटर आता था, क्वार्टर दोनों तरफ लगाते। अच्छा क्वार्टर मतलब हमें पैसे तो इतने होते नहीं थे, और लोअर मिडिल क्लास, क्या आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा क्वार्टर मक्खन की टिक्किया। क्वार्टर मक्खन की टिक्किया, आधी मक्खन की टिक्किया ऐसे आती थी ना, तो हम लोग जैसे संडे है तो हाफ बटर ले आए, और मतलब एक रुपए के चार स्लाइस आती थी, तो ब्रेड ले आए 2 रुपए की। तो मैं कहता था किनारे खाए नहीं जाएंगे मेरे से, और मम्मी कहती थी कि यार 2 रुपए की ब्रेड आई है उसमें भी किनारे निकल जाएंगे तो तुम्हारे पेट में क्या जाएगा, यही तो सिखा हुआ ऐसा होता हुआ। तो बहुत रिक्वेस्ट करने का, तो डैडी सिफारिश लगाते थे बीच में कूदते थे, तो फिर वो किनारे कटके मुझे मिलती थी, पर वो एक दो स्लाइस मिलते थे। क्या पहले मक्खन रखते, ये रखते, अब हम इस पे ये देखो ये रखेंगे। ये इतना मोटा मोटा मत करेगा, पतला और ज्यादा काटा करना, वो साइज इतना बड़ा ही था पहले। फिर पत्ता गोभी, टमाटर, नहीं टमाटर। फिर अब ये हम टमाटर रखेंगे और फिर पत्ता गोभी। हम इसमें नमक मसाला कुछ नहीं डालते, क्योंकि नमक कम खाएं पर अच्छा खाएं आपको मालूम होगा। धूप लग रही है, बटर सही भी कह रही है, वो धूप में बिना मतलब पिघल जाएगा। और ये हमारा सैंडविच हो गया तैयार, ठीक है। तो उस समय बचपन में बड़ी इच्छा होती थी कि यार बड़ा होऊंगा ना तो ब्रेड बटर खाऊंगा किनारे काट के, ट्रक भर भर के मंगाऊंगा। छोटे बच्चे नहीं होते कि बड़ा होकर ये करूंगा, वो उस टाइम पे फोर्थ क्लास की बात, थर्ड की फोर्थ की। तेरा ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बटर कम ही लगाया, कम लगाया ना, हाथ चला ही नहीं तुम्हारा। राजा को कोष का भी ध्यान रखना होता है, सारा खजाना एक जगह खर्च कर देगा तो बाकी चीजों में क्या करेगा, इसलिए बटर पे हाथ हल्का चला। बच्चों को तो सैंडविच इतना अच्छा लग गया कि डेली खाते हैं, डेली। मतलब अगर बटर या पनीर में से कोई चीज खत्म हो जाए ना, उसी दिन नहीं खाएंगे, नहीं तो उनको मतलब ये। और वाकई में हेल्दी चीज है, सही चीज है। एक पाव है बस, पर गोवा में पाव लोग रोज खाते हैं, सदियों से पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं। मालूम एक पंगा क्या है, ध्यान से समझना, जिसके पास सहन शक्ति कम है, जिसके पास संकुचित मानसिकता है, या जो जिद्दी है और अब जिसके दिमाग खुले हुए नहीं है, जो बाहर के नए विचारों को नहीं आने देना चाहता, वो इस बात पर ना कमेंट करे ना देखे, यहीं से निकल ले। क्या होता है, अब ये पाव है, ये मैदे का बना है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आयुर्वेद और ये सब, यार मैदा नुकसान देता है, मैदा, बिल्कुल सही बात है। 3 जहर है, नमक, चीनी और मैदा। पर पूरी बात बताओ ना, कि इन चीजों के 80% नुकसान है, 20% फायदा भी है, एक ये भी हो सकता है। दूसरा, पूरा शुगर लेवल आपकी बॉडी का खत्म कर दे, क्या होगा? दूसरा क्या होता है, देशकाल परिस्थिति, जिस मैदे को हम लोग खराब मानते हैं और हम मोमोज को रिजेक्ट करते थे। आप मैक्लोडगंज जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, आप चाइना जाओ, वहां पर
जापान वगैरह ये मोमोज कितना वहां पे खाया जाता है, तो कौन सी जगह पर कौन सी चीज खाई जाती है वो भी होता है। जेरी ये ले। चाइना में तो नूडल्स वगैरह बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, जापान में भी नूडल्स है। चाय पी लो। तो नूडल्स वगैरह तो देश काल पर। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर मैं नॉनवेज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि कोई आदमी ये कहे कि जी मुझे नॉनवेज का टेस्ट डेवलप नहीं है, मैं इसलिए नहीं खाना चाहता, वो समझ में आते वो ठीक है। कोई आदमी ये कहे कि भी मैं किसी साधना पद्धति को फॉलो कर रहा हूँ, उस साधना पद्धति के अंदर निषेध है मांस खाना, तो भी समझ में आता है। मांस खाना वर्जित किया गया था, ये कब से आया है, मनु से। मनु ने बोला कि मांस नहीं खाना है, पर सबके लिए नहीं बोला, मनु ने बोला ब्राह्मण वर्ण के लिए, क्योंकि मांस ये मच्छी खट्टा तला हुआ इन सब में तामसिकता होती है, प्याज लहसुन में तामसिकता होती है। तो मनु ने कहा कि ब्राह्मण को साधना पद्धति में लिप्त रहना है, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन में उसके अंदर अगर उत्तेजना ज्यादा रहेगी तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो ब्राह्मण है उनके लिए वर्जित है। अब ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणों के चमचों ने क्या कर दिया, मांस ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, शरीर को आपने कब्रिस्तान बना रखा है, शरीर के अंदर मांस है। गोवा के अंदर हर घर में मछली खाई जाती है, पूरे साउथ में खाई जाती है, पर उसके बावजूद सभी धार्मिक है, है ना। 52 देश जो है वो मुस्लिम है, 52 से ज्यादा देश या 52 के करीब, जिसमें से 35 तो मतलब प्योर इस्लामिक कट्टर वो माने जाते हैं, वो सब रोज मांस खाते हैं। तो कहते हैं ना मांस खाने से हार्ट अटैक आता है, मांस खाने से वो शरीर में ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। सारे ईसाई देश मांस खाते हैं, सारे मुस्लिम देश मांस खाते हैं, एक अकेला एक देश बचता है सनातन धर्म का, वो है हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान के अंदर भी 70% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं, कितनों को हार्ट अटैक आ जाता है। इसी अगर ये लॉजिक सही है तो इस लॉजिक के हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में फिर तो सबको हार्ट अटैक आना चाहिए, सबके पेट कब्रिस्तान बनने पड़े। बॉस रेगिस्तान में आप खेती नहीं कर सकते, क्या खाओगे वहां पर, मांस खाना, लाल मांस खाना मजबूरी है, और कुछ है ही नहीं वहां पे। अरब देशों में आप कौन सी खेती करोगे, कौन सी फसल उगाओगे वहां पर। ऐसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर साल भर बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फीली जमीन है, कैनेडा के अंदर देख लो ना 80% जगह पर तो आप खेती नहीं कर सकते। तो उनके पास ऑप्शन ही क्या रह जाता है, खाने को तो चाहिए। कश्मीरी पंडित मांस खाते हैं, कश्मीरी पंडित मांस खाते हैं और अपने अनुष्ठान के अंदर खाते हैं, मतलब जैसे आपके घर में कोई फंक्शन पूजा पाठ करवाई आपने, उसके बाद में वो भोजन में मांस खाएंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वहाँ जरूरी जरूरी है। बिहारी पंडित मछली खाते हैं, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी नहीं, कामाख्या में तो बलि चढ़ती है, एक एक आसाम में कहीं मंदिर है शंकर का, शिव का मंदिर है, वहां पर बलि प्रथा के बाद में उसको मांस के रूप में, प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, बकरे को और मटन को प्रसाद को सब खाते हैं, जो शाकाहारी वो भी खाते। क्या होता है ये जो आयुर्वेद के चमचे हैं, वीगन वीगन जानवर ये वो, तर्क पे बात करो ना, अगर बात सही है कि भाई हमारा शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है, तो फिर तो किसी भी जगह, तो फिर 52 जो मुस्लिम देश है वो कैसे मांस खा रहे हैं, उनमें तो फिर आबादी घटनी चाहिए, उनकी आबादी कैसे बढ़ रही है। फिर जो ईसाई देश है वो कैसे, अगर सोचो, मैं तो कहता हूँ कि इनको शाकाहारी नहीं बनना चाहिए, अगर ये शाकाहारी बन गए तो जंगल तबाह हो जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी बनोगे तो आपको अनाज की जरूरत पड़ेगी। अनाज धरती पर 12,000 साल पहले खोजा गया, मनुष्य ने अनाज की खेती 12,000 साल लगभग 12,000 साल पहले शुरू करी। उस बाद में जब पूंजीवाद आया 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में पूंजीवाद की शुरुआत हो गई थी, तो उसके बाद में ये अनाज को पैकेजिंग और प्रमोट किया करना शुरू कर दिया। अब सोचो अगर मैं कह रहा हूँ कि 52 देश में से हम मान लेते हैं कि भी 25 देश शाकाहारी बन गए अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से, तो भाई वो 25 देशों को फिर अनाज चाहिए होगा, उसके लिए अनाज के लिए आपको खेती करनी होगी, खेती के लिए आपको जंगलों के पेड़ काट करके उसको समतल मैदान बनाने पड़ेंगे, पहाड़ों को काट करके समतल मैदान बनाने पड़ेंगे। देखो आप धार्मिक हो,
आप शाकाहारी हो, वो बात ठीक है, आप लॉजिक पर बात करो ना। तो शाकाहारी आदमी जो धर्म के आधार पर शाकाहारी है, उसके कान बहुत छोटे हो जाते हैं, वो सुनना बंद कर देता है। तू क्या समझी, सच में छोटे हो जाते हैं? मांस नहीं खा रहे, कान छोटे हो गए। छोटे मतलब हाँ। उसकी वो विच उस तर्कों को अपने अंदर आने नहीं देता। वो कहता नहीं, जय माता दी, जय माता दी मतलब वैष्णो, वैष्णो भोजन, वैष्णो भोजन मतलब नहीं खाएंगे, जैन संप्रदाय नहीं जी, नहीं नहीं खाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, इमेजिन करो आंख बंद करके 5 मिनट के लिए कि पूरी धरती पर सारे जैन बन गए, कल 80% लोग मर जाएंगे भूख से, क्योंकि इतना सारा अनाज, इतना सारा फल कहाँ से लाओगे बॉस? कौन से कनाडा के अंदर खेती करोगे? कौन सी ऑस्ट्रेलिया के सारी आबादी उसके किनारे पर बनी हुई है, सारे बड़े शहर, बीच में तो वो रेगिस्तान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दूसरे को गलत ठहराते हैं, आपकी अपनी मान्यता है, अपना है। मैं सिंपल कहता हूँ, आप शाकाहारी हो, किसी को आपको टेस्ट डेवलप नहीं है, वो इसलिए शाकाहारी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता, कोई कहता मैं पढ़। मनु ने केवल ब्राह्मणों के लिए बोला था, क्षत्रिय अगर शाकाहारी बन जाएगा तो वो कैसे लड़ेगा? अगर आप आर्मी को नॉनवेज खाना नहीं सिखाओगे, वो कैसे किसी सामने अनजान आदमी के सीने में गोली मारेंगे? लॉजिक लगाओ ना, तामसिकता ही नहीं आएगी उसके अंदर, वो खुंदक, वो गुस्सा, वो ताकत। क्षत्रिय को मांस खाना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्षत्रिय को छूट दी गई, क्योंकि क्षत्रिय ताकतवर कैसे बनेगा? क्षत्रिय के अंदर अगर क्षत्रिय हो गए जज्बाती, बिना एग्रेशन के तो गोली नहीं मार सकता। सोचो आपकी फौज खड़ी है बॉर्डर पर, उनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान वालों की अभी हमला होने वाला, उससे पहले तुम उनको मार दो, वो जानते भी नहीं है किसी को, अब वो कह रहे यार जीव हत्या पाप है, वो कैसे गोली चलाएगा? वो गोली चलाएगा खुद ही बेचारा गिल्ट के मारे उल्टियां कर करके मर जाएगा, इसलिए उनको कठोर बनना पड़ेगा। तो सैनिकों की जब वो ट्रेनिंग दिखाते हैं तो कैसे चिल्ला के वो मारने की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि उनके अंदर वो एग्रेशन, इनको सांप मार के खाना सिखाया जाता है कि अगर कभी आप जंगल में फंस गए, भटक गए, तो आप क्या करोगे? मर जाओगे भूख से। अपना कहीं किसी आश्रम को ज्वाइन कर लिया, लग गए भाषण देने। आपको जो लगता है आप वो करो, आप ये जो है ना वीगन और ये मांस खाना, मैं कह रहा हूँ आप नहीं खा रहे हो, आप मत खाओ, आप मांस खाने वाले को गलत मत कहो। हाँ, वो है मेन ये ले जेरी सुनी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो भी मांस नहीं खाता है, शाकाहारी है, उसको ये हर पल दुआ करनी चाहिए कि बाकी के लोग शाकाहारी ना बन जाए, दूसरों को प्रेरित करने की जगह। कॉमन सेंस, मैं कह रहा हूँ सिंपल सा, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि 52 मुस्लिम कंट्री शाकाहारी बन गई, वो मांसाहारी है, उसके बावजूद उनके पास खाने के लिए मांस नहीं है, हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उनको रेड मीट और फिश, साहिबाबाद में हमारी फैक्ट्री के पीछे वो जो फिश क्या बोलते थे उसको, कौन सी कंपनी बोलते थे, फिश कंपनी, वहां से फिश जाती थी एक्सपोर्ट होकर के। मैंने पूछा वहां के स्टाफ से तो कहते सब दुबई जाती है। भाई संत महात्मा ये बात नहीं करेगा उसकी दुकान कैसे चलेगी? इसीलिए जितने लेटेस्ट धर्म है उनमें इसी उनको समझ में आ गया। देखो इन्होंने जब ये बातें बोली ना, तब धरती की आबादी कितनी थी? तब धरती पर भारत के अंदर ही इतना कृषि प्रधान देश है भारत कि वो पूरी धरती को खाना भी दे सकता था। आज दे देगा? आज अपने लिए तो है नहीं। तो उन्होंने ये बात बोली हजारों साल पहले, जैसे महावीर ने बोला कि भाई शाम को सूर्यास्त के बाद खाना मत खाना, उस समय लाइट ही नहीं, लाइट नहीं थी, कीट पतंगे थे, उपचार की सुविधाएं इतनी आसान नहीं थी, कोई कहीं रह रहा है, कोई दूसरे गांव में वैद है, कैसे लेके जाओगे? मालूम पड़े आधे तो वैद थे, पहुंचते पहुंचते मर जाते थे। तो उन्होंने बोला कि यार इसका इलाज ये है कि भाई, और रात को दिया जलाओगे तो दिए के आसपास और कीट पतंगे आते हैं, तो अब अपना खाने पीने वाला काम जो है 7 बजे से पहले कर लो, सनसेट से पहले कर लो, एक तो कीड़ा मकोड़ा दिख जाएगा, दूसरा ये होगा कि भाई आपके सोने में 1-2 घंटे का वक्त लगे तो खाना भी आपने 2 घंटे पहले खा लिया। अब आज LED लाइट आ गई है, आप घर घर में बिजली आ गई है, आप आज भी वही चीज पकड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि
कान छोटे हुए हैं। और एक बड़ा कॉमन जवाब देते हैं लोग मुझे कमेंट में, जब मैं ऐसी बात करता हूँ, हर आदमी को अपने जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, आप क्यों बोलते हो। एक ने क्या बोला था तू लाइव में कि आप धर्म के बारे में बोलते हो भावनाएं आहत हो जाती हैं, आस्था, अब तुम्हारी बात बात पे आस्था हर्ट हो जाए तो मैं क्या करूं भाई इसमें, फिर तुम अपनी आस्था पे काम करो ना, मेरे ऊपर क्यों काम कर रहे हो। जिस हिसाब से एक संत महात्मा को, एक शाकाहारी को, एक किसी आश्रम के चमचे को इस बात का हक है कि वो अपने आश्रम की बात का प्रचार करे, मैं भी तो अपने हकदार हूं ना अपने विचारों का प्रचार करने को। अब एक आदमी मेरे को लिखता है राकेश जी जय श्री राम, तो वो जय श्री राम का प्रचार कर रहा है ना, तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा भैया मांस खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। एक वो किधर कौन से रिश्तेदार है आजकल यूट्यूब पर बड़ा गुरु, वो फेसबुक पर गुरुदेव, गाड़ियों के पीछे देख लो दिल्ली में। अरे इनको इतनी समझ में नहीं आ रही कि उनकी दुकान चल रही है, इकबाल उनकी दुकान चल रही है, उनका ऐसे ही वैसे रहे, उनका बिजनेस चल रहा है, अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तुम लोग जाओगे नहीं उनके यहाँ, जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो उनका छोटा भाई कितने 20 साल मंदिरों में आश्रम में रह के वापस आ गया फिर जिंदगी में, तो भाई 20 साल बर्बाद क्यों किया, और ये 20 साल वो थे जिस समय आपने कुछ सीखना था कुछ करना था। गोवा के लोग अगर मछली खाना छोड़ दे तो फिर यहाँ क्या हाल हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, दूसरा इतना अनाज कहाँ से लाएंगे, गोवा में खुद सारी सब्जियां वगैरह आती है कर्नाटका से महाराष्ट्र से, वैक्सीन वाला हाल होएगा, बना के बाहर भेज दिया अपने लिए है नहीं। अरे बहुत बड़े प्रोपेगेंडा होते हैं, इसलिए भी बोलते होंगे कि इंडियन लोग शाकाहारी बने रहे ताकि वो सारा मीट मांस एक्सपोर्ट कर दे। सही लॉजिक। अब ये एक बार बताना, ये गवर्नमेंट ने आ करके, ये गवर्नमेंट धार्मिक गवर्नमेंट है, चलो पहले वाली तो थी भ्रष्ट वगैरह जो भी थी, ये तो धार्मिक गवर्नमेंट है, इन्होंने आके एक बूचड़ खाना बंद करवाया। आज भी कई चीजों में तो हम वर्ल्ड में नंबर वन या टॉप टेन में आते हैं एक्सपोर्ट करने में मांस, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा रेड मीट एक्सपोर्ट होता है, फिश एक्सपोर्ट होती है। मालूम क्या इसका नुकसान क्या होता है, इस बारे में क्यों बात करता हूँ, एक आदमी मांस खा रहा है उसको मजा भी आ रहा है पर गिल्ट भी हो रहा है, अपराध बोध हो रहा है उसको, भाई तेरा मन करता है वो तू कर, जिसका जो मन करता है वो करे। ये शाकाहारी जो है ना वेगन है, ऐसे देखेंगे घिन की नजर से, जैसे पता नहीं किसको देख लिया है। उसको डाउन फील करा देते कि तुम मांस खाते हो, है शर्म नहीं आती, कैसे खा लेते हो। कैसीनो में ये चीज का देखो, एक ही टेबल पे एक आदमी वेजिटेरियन खा रहा होता है, एक नॉन वेज खा रहा होता है, वहां नहीं होते ये चीज। कमाल हो गया, मतलब आप शाकाहारी बन के ना अपने आप को सुपीरियर फील करा रहे हो। अरे आप अगर चावल खा रहे हो तो भी आप जीव हत्या कर रहे हो, क्या करोगे उसमें, मच्छर काटता मारते नहीं हो, वो जीव हत्या नहीं है, घर में ऑल आउट जलाते, मतलब जस्टिफाई कर रहे हो। खत्म। मांस खाने वाला भी एनिमल लवर हो सकता है। एक और प्रचार करते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन हिटलर तो शाकाहारी था और विवेकानंद जी मांसाहारी थे। लोग इतना चंटे, इसको पता चल गया मेरा खत्म हो गया।
उल्टा बनेंगे शाकाहारी, फिर जानवरों को कभी डंडा मारेंगे, कभी उसको भगाएंगे। जिंदगी जियो बिंदास, केवल अपने आप को जस्टिफाई करो, अपने आप को जस्टिफाई करो, मतलब आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी फैसला ले रहे हो, आप उसमें एग्री करने चाहिए। आपके अंदर अपराध बोध नहीं होना चाहिए। मांस नहीं खाना है मत खाओ, मांस खाना खाओ, मांस नहीं खाने पर मांस के लिए तड़पो मत, और मांस खाने पर अपराध बोध मत करो। ऐसे ऐसे पाखंडी मंगलवार को मांस नहीं खाते। हाँ, कुछ सोमवार को नहीं खाएंगे, कोई शनिवार को नहीं खाएगा, कोई वीरवार को नहीं खाएगा, कोई वीरवार को नहीं खाएगा। क्या ड्रामा बचा रखा है यार, उस दिन वो प्योर वेजिटेरियन हो जाते हैं। पूरे देश को पीछे ले आए ये लोग, नहीं तो जो हमारे ऋषि मुनियों का देश है, जो हमारे पास आज, मतलब आज भी फिलॉसफी में वो ये कहते हैं कि हमारे पास सारी फिलॉसफी वेदों से आई, कोई सबसे पुराने हैं, हम पुराने पुराने को चाटते रह गए, पीछे रह गए, और वो हमारे पे राज कर रहे हैं। हाँ जी, दे दो भाई को थोड़ा टुकड़ा। आधा आधा बांट दे। आधे को तो मुझसे ये ईर्ष्या की, यार ये बैठ के 12 बजे चाय कैसे पी रहा है, वर्किंग डेज में वो भी आराम से। हम तो ऑफिस में बैठे, इस समय ऑफिस में बैठे, दुकान पे बैठे, गल्ले पे बैठे हैं, बीवी की गालियां खा के आए हैं, बाप की गालियां रात को जाके खाएंगे, और दिन भर बॉस खून पिएगा स्ट्रॉ। तो भाई ये जिंदगी आपने डिजाइन करी है ना, न्यूनतमवादी बनो। कम से कम में हमने कितने में नाश्ता कर लिया, देखो पनीर का टुकड़ा गिरा उसको दे दे, पनीर का टुकड़ा, ये भी मुझे। तो ये कुत्ते बिल्ली ज्यादा अच्छे लगते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं, कोई अपराध बोध नहीं। इनसे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। फिर मैं कहता हूँ यार, ये कुत्ता हो करके अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है, मैं क्यों नहीं। अब जो नहीं ले पा रहे, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। सुबह तुम दरवाजा बंद करके सो रहे थे, ये बेचैन घूमता रहा कि मेरे को अंदर जाना है। नहीं, इसको तो अंदर भेज देंगे तो नीचे पलंग के नीचे घुस के सो जाना है। ये गड्ढा करके भूल गए क्या, छुट्टी पे चले गए, आज शोर भी नहीं हो रहा, काम भी नहीं कर रहा। देखिए चींटियां कहाँ पे आ रही है, ये रही है। मिल गया होगा उनको, यही सब गिरा हुआ है ना। एक सेकंड में पता चल जाता है, बिना इंटरनेट के, बिना इंटरनेट के। बिना इंटरनेट के इतना फास्ट ट्रांसमिशन है कि आपके नाखून से भी छोटी चींटी फटाफट जाके, कैसे इनका एक खबरी लाल होता होगा जो आगे भागता होगा, इनका ना एक दस्ता होगा, खोजी दस्ता, उसका काम है आवारागर्दियां करना, घूमना कि कहाँ पे क्या खाने का गिरा है, कहाँ पे कोई कीड़ा मरा हुआ है, कहीं पर कोई पनीर कुछ गिर गया है, कोई मीठा खट्टा। फिर सिग्नल भेजो, फिर ना वो ये ना रसायन गिराते हैं, ये क्या करेगा, वो जाएगा वापस, मतलब ऐसा नहीं कि खा, देखो इंसानों और चींटियों में कितना बड़ा फर्क है, इंसान को कोई दावत मिल जाए वो पहले खुद खाएगा फिर जाएगा, ये क्या करेंगे, उसको देखेंगे, ओए मिल गया, ओए मिल गया, मिल गया, मिल गया, वो क्या करेगा, रसायन छोड़ते हुए मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया चिल्लाते हुए जाएगा, और अपने जाकर के वहां अड्डे पे भूलेगा, फिर अड्डे पे जो हजारों चींटियां होंगी वो आएंगी, पर उस दौरान अगर वो कोई और चींटी मिलेगी, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, हो रही है, हो रही है, हां हो रही है, तो वो उस दौरान भी जो चींटियां मिलेंगी ना, हाँ। तो उन्हें देखो चींटियां ऐसे मुंह से मुंह मिलाती हैं, हाँ। तो वो गप्पे थोड़ी मारती हैं, रसायन से वो उसको रसायन को फॉलो करती हैं। ये मेरे को एक बंदा मिला था, अनूप, हाँ। वो अनूप जो है उसने पीएचडी करी है चींटियों पर, मतलब उसने पीएचडी में चींटियों को चुना, तो उसने बताया कि एक चींटी जो है वो मैक्सिमम 3 महीने तक भी जिंदा रहती है, अलग अलग प्रजातियां, पता नहीं कितने हजार चींटियां बताई थी कि इतनी वैरायटी खोजी गई। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा नहीं, मैं कहीं ये कैसे पता लगे, हम तो नई नई चींटियां देखते हैं, कहते ऐसा नहीं कि आपने नई चींटी
ढूंढ ली तो आप वो नई चिट्ठी ढूंढने के बाद में फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे, फिर उसको कहीं पर भेजते हो डॉक्यूमेंट पे, फिर वहां पर वो पता लगाते कि ऐसी कोई, तो मालूम पड़ता है कि नहीं ये तो खोजी जा चुकी है। ऐसे करते करते लेयर पार करते करते वो टॉप लेवल पर पहुंचती है, वर्ल्ड लेवल पर, फिर वहां पर जाकर ये माना जाता है कि चिट्ठी पहली बार खोजी गई है या ये चिट्ठी खोजी जा चुकी है, ऐसा चलता है। और जो भी खोजी गई है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है ताकि कोई बिना मतलब ना रोज आ जाए कि मैंने नई चिट्ठी खोजी, उसको मालूम पड़ जाए, वो जाएगा नेट पे, उसको मालूम पड़ जाएगा चींटी ये खोजी जा चुकी है। ऐसे तो हर स्पीशीज के लिए होता होगा। तो वो चींटी जो है सबको बताते हुए जाएगी, फिर ये कहेंगे ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर गैंग बनेगा इनका। अरे इतनी दिमागदार होती हैं ये। डिस्कवरी में मैंने एक बार देखा तो कुछ चींटियों ने आपस में एक दूसरे को जोड़ करके एक ब्रिज बना लिया और बाकी की चींटियां उनके ऊपर से जा रही हैं। अच्छा। जैसे दो कनेक्शन जोड़ना था, मतलब बीच में गैप था, तो कुछ चींटियों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और बाकी चींटियां जा रही हैं। इनमें सैनिक चींटी होती है जो काटती है, हर चींटी नहीं काटेगी, श्रमिक चींटी होती है जिसका काम है सिर्फ वजन उठाना। हाँ, एक काटने वाली चींटी होती है जो सबसे आगे चलती है, फिर उसके उसी के अंदर फिर एक चींटियां होती है जो श्रमिक चींटियां बोलते हैं, और एक रानी चींटी होती है जो कुछ नहीं करती। और उससे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि भाई साहब आप खर्चा कैसे चलाते हैं, कि भाई साहब खर्चा कैसे चलाते हो। वो कहती है कि ये सब मेरे लिए काम कर रहे हैं ना। सेम चीज मक्खियों में होती है, मधुमक्खियों में। जो रानी मक्खी होती है वो तो अंदर बैठी रहती है, बाकी सब उसके लिए फूलों का रस चूस चूस के लाते हैं, उसके हाथ पैर दबाते हैं। गोवा की चींटी बहुत तेज काटती है, दिल्ली में जो चींटियां काट भी लेती थी ना, इनका तो काटा दो तीन दिन। वो बेचारी पॉल्यूशन की वजह से कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, स्पैरो गायब हो गई। अभी मालूम क्या है, पहले ये सारे कीट पतंगे जो थे ना हवा में, जो छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, ये सब व्हाइट कलर के होते थे। हाँ, फिर 16वीं शताब्दी में जब पूंजीवाद की शुरुआत हुई, उसके बाद चिमनियां आई, कारखाने बने, कल कारखाने बने, फिर उससे जो चिमनी से धुआं निकलने लगा तो हवा में एक पॉल्यूशन फैला, ब्लैकनेस आई, वहां पर ये विजिबल दिखे होने लगे। तो जो शिकारी होता था चिड़िया विड़िया, उनको ये साफ दिखने लग गए, इजिली दिखने लग गए, तो वो इनको खाने लगे। इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट, फिर वो क्या, क्योंकि ये जल्दी पैदा होकर जल्दी मर जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो म्यूटेशन है वो जल्दी हुआ। तो फिर इन्होंने धीरे 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 ये ग्रे से ग्रे कलर, डार्क कलर के हो गए। अब ये आपको अभी देखिए यहाँ पे सब उड़ता हुआ दिखेगा, ब्लैक कलर का नहीं दिखेगा, व्हाइट होगा तो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे इनमें पहले ये व्हाइट कलर के या लाइट कलर के होते थे एज पर डार्विन थ्योरी, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नहीं, ये खोजा भी डार्विन नहीं था कि कीड़े कैसे थे, लोग डार्विन की थ्योरी को रिजेक्ट कर देते। मैंने कहा उसने 30 साल दिए हैं, 30 साल, 5-5 साल की, 3 साल की, तो उसने कई समुद्री यात्रा करी है। आप 5 दिन जाकर के कहते हो हमने तो वो कंट्री एक्सप्लोर कर ली, 5 दिन 4 रातों का पैकेज लेकर के जाते हैं और आकर के कहते हैं कि हमने तो दुनिया देखी है, ये 5 दिन में एक्सप्लोर करेंगे। वो कह रहा है अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, उसने अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिए, फिर भी वो कह रहा है कि यार मैं अभी बहुत कुछ जानना है। डार्विन कह रहा हूँ, सिगमंड फ्रॉयड ने 30 साल रिसर्च करी, 30 साल के बाद में उसने बोला कि भाई औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं आज तक नहीं पता लगा पाया, 30 साल के बाद भी, क्योंकि अभी बहुत सारा। आपको क्या लगता है आपने धरती एक्सप्लोर कर दी है अभी? मतलब वैज्ञानिकों ने बोला कि यार हमने सिर्फ 16% से ज्यादा धरती एक्सप्लोर नहीं करी है, और वहीं पर एक फूफा, एक मौसा, एक कोई रिटायर्ड गस्टेड ऑफिसर, कोई नेता, कोई खड़े होकर के ये कहता है हमने दुनिया देखी है, हमें सिखाएगा? अरे एक का बाप जानू क्या, मुझे सिखाएगा तू? मुझे, मेरे को भी ऐसा लगता था, मैं बड़ा डेढ़ छाड़ू, मैंने बहुत दुनिया देख ली कि भी मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। जब आप पढ़ने जाते हैं तब आपको आपकी औकात मालूम पड़ती है, जब आप बाहर जाके लोगों से, जब मैं वहाँ पे काठमांडू में जब अलग अलग कंट्री के ट्रैवलर के पास में, कोई 35 देश घूम चुका है, कोई 40 देश घूम चुका है, कोई कुछ, वो हम वहाँ पे, हाँ अच्छा हम तो सोच रहे थे कि हम तो हरिद्वार हो जाए और हमने ये सब कर लिया, तो हमें तो दुनिया पता है। आप बाहर तो निकलो, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या औकात है। अब जिस आदमी ने कहीं जाना नहीं, जिस आदमी को कहीं मतलब नहीं, जहाँ पैदा हुआ वहां से मर जाओ, कहेगा भाई मेरी तो यही दुनिया, यही दुनिया, ये मैंने तो यही सब कुछ देखा और यहाँ सब कुछ एक्सप्लोर कर रखा है मैंने। यही कह रहा हूँ कि आपका, आपकी दुनिया में आपने एक्सप्लोर किया होगा कि किसकी शादी में छोले कच्चे रह गए, कोफ्ते हार्ड थे, पूड़ी ऑयली थी, ये सब तो पता होगा। फिर ज्ञान भी तो इसी का झाड़ो ना। फिर आप क्यों बोलते हो कि यार ये क्रिकेट में धोनी ने इसको ओवर गलत दिया या ये नेता ने ये काम गलत कर दिया? दुनिया में वो होता है ऐसा, ये होता है ऐसा। मेन बात समझ रही है
कि ये बड़ा बोला जाता है कि हमने दुनिया देखी है, हमें सिखाएगा क्या है दुनिया। दुनिया में तो 8 अरब आबादी है, आपको 500 से ज्यादा लोग नहीं जानते, 5,000 फेसबुक फ्रेंड होंगे लोगों के, जानते कितने को होंगे। तूने मुझे लाइक किया, मैंने तुझे लाइक किया, हो गए फेसबुक फ्रेंड, रिश्तेदार बन गए। ये लाइक के पीछे मर रहे हैं लोग। मुझे बोलते हैं यार आपके व्यूज बहुत कम आते हैं, आपके लाइक बहुत कम आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा भाई ये कैलकुलेशन आप करो, लाइक और ये सब चीजें चाहिए होती ना तो मैं पर्रा रोड पे रोज कूद रहा होता रील बनाने के लिए। आज तक हमने 2 साल में पर्रा रोड पे एक वीडियो नहीं, एक फोटो नहीं खींची, एक फोटो नहीं खींची, और हमारा रोज का रास्ता है वीडियो बस बनाते हैं, वो भी रस्ते वो तो मजे लेने के लिए, जलील करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखो तुम लोग यहाँ पे आके क्या करते हो। तो लाइक वाइक वो तो फिर वही रेट रेस हो गई ना, ये रेट रेस पैसा कमाने की नहीं हो गई, ये लाइक की और सब्सक्राइब की हो गई। तुमको पता है वो मेरे को स्कूल में मिले थे मार्क, जिनका मैं बता रही थी, उनको पता भी नहीं पर्रा रोड का है। मैंने उनको बताया कि वो वहाँ पे वो शाहरुख जबकि पैदा यहाँ हुए, पैदा यहाँ हुए, यहाँ इतने साल से रह रहे। वो कह रहे अच्छा। नहीं वो उनका ना होटल देख के आएंगे क्या, बीच के सामने है ना, एक्चुअली में ना वो थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि लाइब्रेरी मैंने बनानी है अपने खर्चे पर, मतलब नो बिलिंग कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत रेंट होगा तो मैं भर देता, पर वो बीच पे भी है तो वो थोड़ा ज्यादा रेंट होगा, और मैं उसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं जाता। वो क्या बोल रहे फॉरनर आके बैठते हैं वहां पर, वो कह रहे वहां के मतलब वही व्यू है नेचर। अब वो बैठ जाते होंगे लोग कुर्सी खाली देख करके, फिर उनको देखो क्या होता है, आपका दिमाग गड़बड़ कब करना शुरू करता है, जब आप मनी के मेटलिस्टिक होते हो, कमर्शियल हो जाते हो आप। ये देखो ये सामने है, यहाँ पे कुर्सी डाल दो, कोई भी आके बैठ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। लोग आते हैं मुझसे मिलने, महीने में 10-12 लोग आ जाते हैं मिलने, तो कितनी कितनी दूर से आते हैं, हम उनको घंटों घंटों देते हैं। अभी मान लो मैंने बोल दिया कि यार मेरे से बात करने के लिए मैं 1 घंटे का 500 रुपया चार्ज करूंगा, समझ गई बात। उसके बाद में कोई मिलने आएगा ना तो मैं उसको टाइम ही नहीं दूंगा, मतलब फ्री बिना पैसों वाला आएगा, क्योंकि मेटलिस्टिक आके दिमाग में। या मान लो कि कोई हमने अभी यहाँ पे कोई बैठे हमसे गप्पे मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तुमने यहाँ पे चाय पकौड़े बेचने शुरू कर दिए, उसके बाद कोई आके बैठेगा, तुम्हारा दिमाग मालूम क्या बोलेगा, कुछ मंगा लेगा, यार ये चाय नहीं पी रहा, बहुत देर हो गई, यार एक कप चाय पी करके बैठा हुआ 1 घंटे। ऐसे हमारे को मेटलिस्टिक दिमाग हमारे को कनेक्ट काट देता है लोगों से। इसलिए मैंने सोच रखा है कि उस लाइब्रेरी में कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी होगा वो फ्री लाइब्रेरी होगी, नो बिलिंग कॉन्सेप्ट होगी। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी, उद्धार करना है किसी का, वो इसलिए कि मेरे दिमाग के अंदर वो। अभी मान लो कोई आके लाइब्रेरी में दिन भर बैठा हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैठे रहे पढ़ते रहे, टाइम पास कर, नहीं भी पढ़नी अपना बैठे रहे कुछ भी कर, मुझे क्या जा रहा है। पर अगर वहां पर मैंने 1 कप चाय भी बेचनी शुरू कर दी तो मैं ये हिसाब लगाऊंगा, यार ये घंटों से बैठा हुआ है और उसे चाय तो सिर्फ 1 कप ही पी है, समझी बात। यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। अभी मान लो कोई सब्सक्राइबर आया, कई सब्सक्राइबर आते हैं, काफी कुछ लेके आते हैं, कुछ कुछ नहीं लेके आते, है ना, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने बच्चों को भी बोल शुरू में टोक दिया था, और वो जो भाई साहब ने कई सारे गिफ्ट भेजे थे, मैंने उनको बोला था कि यार इसको भेजना बंद कर दो, क्योंकि इससे मेरे बच्चों की गलत कंडीशनिंग हो रही है। वो कंडीशनिंग क्या गलत हो रही है, क्योंकि अगर मान लो कोई सब्सक्राइबर आया और हर सब्सक्राइबर आते टाइम कुछ लेके आया, तो एक दिमाग क्या करेगा कि वो उसके लिए सब्सक्राइबर मतलब कुछ आया जो नहीं लाएगा तो उनके लिए, फिर नहीं लाएगा तो वो उसको वो देखेगा। तो ये शुरू में होना कि अरे पापा वो क्या लाया, मैंने कहा बेटा आज के बाद कभी ये मत सोचना, आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी आपसे मिलने आ रहा है, आपके लिए एक नई किताब चल के आपकी तरफ आ रही है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। अगर वो आदमी बुरा है तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या है उसके अंदर जिसकी वजह से वो बुरा है, आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, और वो अच्छा है, कुछ ना कुछ वो आपको सिखा के जाएगा। शर्त यह कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैंने सोच रखा है कि अभी क्या देख, हम यहाँ बैठे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें गोवन से डर ही नहीं। गोवन को भी ये रहेगा कि यार ये यहाँ पर कोई काम ही नहीं करते, क्योंकि काम करते ही मेटलिस्टिक दिमाग है। और मेरे से मैं बिजनेस में मैं अपने आप को बिजनेस में बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं करने आऊंगा, मैं रेल बना डालूंगा बिजनेस में, मैं फिर रुकने नहीं वाला। तो हम पानी के काम में ट्रेडिंग में गए तो मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचे, हम चाय कॉफी की ट्रेडिंग में गए तो मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचे, एस्ट्रोलॉजी में गए तो फिर वो मैंने पूरा ऋषि लेवल तक कर डाला, ज्योतिष रत्न से शुरू हुआ था, ज्योतिष ऋषि लेवल तक कर डाला। उसके बाद साइकिलिंग करी तो काठमांडू से दिल्ली, तो मैंने कहा नहीं यार ये मजा तो आया पर ये पूरी नहीं लग रही है, चलो कश्मीर से कन्याकुमारी चलते, मतलब कुछ भी। तो मुझे मालूम है अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अगर एक बाकड़ा भी डाल देना केले का,
बाकड़ा बोलते हैं उसको, फट्टा लगा के जो बेचते हैं, तो मैं उसको फिर वहां नहीं रुकने वाला। मैं एक दिन तेरे को बोल नहीं रहा था, मैंने कहा यार ये सड़क पर मछली बेच रहे हैं और लोगों को साफ करने में दिक्कत आती है, अगर ये इसको साफ करके बढ़िया धो धा करके पैकेट में पैक करके बेचे तो इसको थोड़ा अच्छा। वो दिमाग बिजनेस दिमाग काम करने लग गया ना, वो रुक ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सिर्फ फैसला किया कि मैं अपने आप को इन सब, लोग मुझे बोलते हैं ये कर लो वो, जैसे वो उस दिन वो हस्बैंड वाइफ आए थे तो वो लेडी ने क्या बोला, कह रही नहीं अगर आप यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ काम कर लो, तो मैंने कहा सर उससे क्या होगा, नहीं उससे आपका वो सब्जी भाजी का खर्चा निकल आएगा। मैं कहा फिर सब्जी भाजी तक मैं क्यों रुकूंगा, जब उसे सब्जी भाजी का निकल सकता तो फिर मैं शाही पनीर भी खाने की इच्छा करूंगा। तो है ही, उन्होंने बेचारे ने बड़ी देर तक अपने वो शब्दों को कंट्रोल किया कि इससे क्या होगा, उन्हें टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा मन बहल जाएगा। क्योंकि उन्होंने उनके अंदर एक अच्छी बड़ी अच्छी बात थी कि वो उन्होंने एक्सेप्टेंस थी उनके अंदर, उन्होंने कहा हाँ बात सही है। क्योंकि उनका ना वो सलाह के रूप में डर था कि यार तुम यहाँ रह रहे हो कुछ खर्चे पानी का काम कर लो, यार मैं यहाँ पे 12 बजे बैठ करके हम सैंडविच बना के खा रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि हम कोई भूखे बैठे, हमारे कपड़े फटे हुए, हम सड़कों पे लेटे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। वो फिर पूछते फिर ये हो कैसे रहे, यही तो डाउट आ क्योंकि ना तुम रहा इसका सवाल ये एक्चुअली में ना इनके अंदर ना ऑब्जर्वेशन पावर वीक है, है। ये ऐसे लोग हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये आदमी के अंदर कुछ तो है, जो हम इसका वीडियो देख रहे हैं तो जो कुछ है क्या वो इतना गया गुजरा कुछ है कि ये आदमी रोटी नहीं खा सकता। अगर आप एक आदमी की वैल्यू लगा, क्योंकि ये लोग ना कुदरत के एक प्रिंसिपल को मानने से कतराते हैं, वो है कि आपके अंदर जो भी चीज है वो आपको उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा, आपके अंदर जो काबिलियत है। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ या मैं जो चीजें कर रहा हूँ तो ये कहते हैं यार इससे कैसे मिलेगा, तो मैं क्या बातें सड़क पर बेच रहा हूँ, तो ये कहते बेच तो रहे नहीं तो फिर कहाँ से पैसा आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा इनके कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिविटी होती है, कायनात आपको बचा के रखती है। ये मुर्गा है, इसके पैर टूट गए थे दोनों, आज ये देखो मजे से बैठा है, अभी चावल खा के गया है, अभी पनीर खा के गया है। वो बिल्ली मर रही थी बिल्ली, तो ये ना डरते हैं, इनका डर है और ये डर इनका इनके बेचारों की गलती नहीं है, इनके समाज ने इनके अंदर ठूस दिया, कंडीशनिंग ऐसी कर डाली। और मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, इससे जो लोग आए हैं और जितने बहुत सारे लोग जो आने की सोच रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं या कभी ना कभी आएंगे, मैंने देखा कि मेरी इन बातों से परिवर्तन हो रहा है उनकी लाइफ में। नहीं तो एक बार बताओ, वो 5 दिन के लिए गोवा घूमने आए, उनकी बढ़िया नौकरी लगी हुई है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, उनको मेरे साथ आकर के ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है, आप हमारे गोवा जैसी वेकेशन में एक दिन निकालना और मेरे जैसे आदमी को झेलना और 5 घंटे। क्योंकि हर आदमी अपने अंदर सुधार करना चाहता है, हर आदमी चाहता है, पर इसमें सुधार वही कर पाता है जो मुंह पे जूता खाने के लिए तैयार बैठा है। एक आदमी कहता है सुधार तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि चाहते तो सारे ही हैं डेवलप होना, अपने आप को अपग्रेड करना, और एक आदमी कहता है ऐसे ऐसे तरीके से मैं डेवलप होऊंगा या अपग्रेड होऊंगा, मतलब अगर आपको बात करनी तो इस तरीके से करनी है, आप ऐसे ऐसे, और एक तरफ से कबीर और पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, दूसरी तरफ से दो बातें बोल दो मुंह पे तो आपे से बाहर हो जाते हैं। पर वो लोग आए वो कह रहे हैं हमारे को बताओ हमारे भाई, मैं कहा आपके ये सारे फैसले गलत है, ये गलत है वो गलत है, क्योंकि आप मेरे पास एक उम्मीद के साथ आए और मेरे पास ऐसी वजह नहीं है कि मैं आपकी चमचागिरी करूँ। हाँ भूखा मर रहा हूँ, मेरे को घर में रोटी खाने के लिए किसी के चमचागिरी करनी पड़ेगी, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, मैं मिला लूंगा, वहां मेरी ईगो नहीं आएगी, क्योंकि चाणक्य नीति को पढ़ने का इतना तो फायदा मैंने उठा सकता हूँ ना, साम दाम दंड भेद, चापलूसी भी करनी पड़ेगी करेंगे, पर जब तक नहीं करनी पड़ेगी तब तक जिंदा रहेंगे, जब बात जिंदगी मौत पे आएगी तब की तब देखेंगे। तो ये मतलब कितने लोग ना मेरे से बड़ी होशियारी करते हैं, मैं सोचता हूँ एक तरफ से ये मानते हैं कि यार ये बंदे में कुछ तो हमसे बेहतर है, दूसरी तरफ से मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे मतलब अलग अलग आईडी से कमेंट करेंगे, सोचेंगे पता नहीं चलेगा है? या वो मतलब मुझसे जब कोई ये सवाल पूछता है कि यार बॉस आप खर्चा कैसे चलाते हो, मैं सोचता हूँ इसने इसका मतलब ये कि मुझे जाना ही नहीं है, या मुझे छोड़ो ये मानता ही नहीं है कि अगर आपके अंदर समझ अच्छी हो तो आप भूखे नहीं मर सकते। वो कहता मुझे सबूत दो, मुझे सोर्स बताओ, सोर्स ऑफ इनकम बताओ, आप दिखाओ कि मैं केले बेच के पैसा कमाता हूँ, मैं चाय बेच के पैसा कमाता हूँ। वो रानी चीटी वो क्या करती है, उसे जाके पूछो आप क्या कर रहे हो, वो कहे ये सब बेवकूफ लोग लगे तो हुए मेरे लिए, वो लड़ रहे हैं मर रहे हैं, वो वजन उठा रहे हैं, मैं बैठ के खाना खा रही हूँ। अकलमंद आदमी कभी पैसा नहीं कमाता, जितने भी संत महात्मा पैसा कमाते मेहनत करते, वो लोग अपने आप लाला करके अपनी जेब की कमाइयां दिए जा रहे हैं उनको, कोई जमीन नाम कर रहा है, कोई 100 रुपए डाल रहा है, कोई 10 रुपए डाल रहा है, कोई 1000 रुपए डाल रहा है। वो राम बाबा राम रहीम की एक हरी मिर्च 1500 रुपए की बिकती थी, कि ये बाबा के आश्रम की हरी मिर्च है, उनका आशीर्वाद है 1500 रुपए। वो एक हरी मिर्च 1500 रुपए क्या करते हो, कहाँ लगाते हो, मुझे ये नहीं समझ में आया क्या करते हो उस हरी मिर्च का बताओ, पर बिक रही है ना, क्योंकि वो अकलमंद है, उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं थी इसलिए उसने उसको नेगेटिवली यूज किया।
आपके अंदर समझ है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, उसके बाद आप हैकर बनोगे या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, वो आपके ऊपर है। उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं थी। तो अकलमंद आदमी कभी भी पैसा नहीं कमाता, वो पैसा बनाता है, वो पैसा बनाता है, उसके लिए लोग बनाते हैं पैसा। ये मालूम है थोड़े दिनों बाद ये क्या कहेंगे, कहेंगे अरे इनको तो YouTube से पैसा आ रहा है। अबे YouTube से तो अब आने लगा है, सोचो पिछले 12 महीने, 1 साल, 9 महीने हमने क्या किया होगा गोवा में। एक ने बोला उधार लेने के टाइम पे, मतलब दोस्तों से पैसों की मदद ले सकते हो पर दोस्तों की अकल पसंद नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर दोस्त बेवकूफ है तो उनको बेवकूफ ना बोला जाए, और मुझे पैसों की जरूरत है और उनके पास पैसे हैं, वो मुझे देना चाहते हैं या मैं उनसे लेना चाहता हूं, तो मैं इसलिए ना लूं कि बेवकूफ है, मैं बेवकूफ से पैसे नहीं लूंगा, बेवकूफ है इसलिए तो ले रहा हूं। कॉमन सेंस की बात है ना भाई, बेवकूफी अलग चीज है, देन लेना अलग चीज है। और बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलूंगा तो वो अकलमंद क्यों बनेगा, वो कभी अकलमंद नहीं बनेगा। वो तो मेरे सारे दोस्त सारे रिश्तेदार आज भी गुमान में कि हम डेढ़ शाने हैं, उनको लगता है हमें तो सब कुछ पता, हम तो बढ़िया है अपना रोटी पानी चला रहे हैं। याद है आज से 5 साल पहले तूने भी मुझे एक बात बोली थी कि देखो तुम्हारे सारे दोस्त जो भी कर रहे हैं पर कम से कम वो अपना घर परिवार तो चला रहे हैं ना। और जब ये बात तू बोल रही थी तब हमारा भी घर परिवार बहुत बढ़िया चल रहा था, पर मैंने जब उनको बोला कि यार ये एक जैसी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, तो तूने बोला यार कुछ भी कर रहे अपना घर तो चला रहे। अरे बिल्कुल सही बात है, अगर वो खुश है तो वो तो मर रहे हैं, वो तो 4 दिन में गोवा में आके कौन सी खुशी ले जाएंगे। और वो मुझे फिर अगर वो खुश है और मैं भी खुश हूँ तो उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए कि यार तेरा फैसला बहुत बढ़िया था, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, वाकई में यार तूने हिम्मत दिखाई, तेरा फैसला बड़ा। अगर मेरा फैसला सही है इसका मतलब आपका फैसला गलत है। अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मैं सही हूं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कहीं पर सही नहीं मान रहे हो, क्योंकि मेरा फैसला तो आपके अपोजिट है। पैरेलल तो है नहीं कि मैं गोवा आ गया और आप कश्मीर चले गए, ऐसा तो हुआ नहीं, आप तो वहीं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, एक एक का नाम ले ले, हर एक आदमी अपने बाप के घर में रह रहा है। मेरी ननियाल से शुरू कर ले और अपने अपने ननियाल ददियाल से शुरू कर ले, एक एक आदमी, एक एक सिंगल आदमी अपने बाप दादा के मकान में रह रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इतना किया होगा कि बाप का मकान बेच करके दूसरी जगह पर ले लिया, पर उसे अपने दम पर आप एक ईंट नहीं जोड़ पाए। पैसा बहुत कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे हैं। अरे इन्होंने फ्लैट भी ले लिए है, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने दम पे पैसा से मकान नहीं खरीदा, इनके फ्लैट है, रह वहीं रहे हैं, हिम्मत नहीं। मैं कह रहा हूं आप अपनी गली छोड़ करके बगल वाली गली में रह करके दिखा दो। और मैं वो पागल था जब हमने अपना बढ़िया लग्जरी फ्लैट छोड़ के बगल वाला गोयल जी का घर रेंट पर ले लिया। गोयल जी कह रहे यार मुझे राकेश जी एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरा सिंपल सादा घर और आपने अपना मॉडिफाई घर, दोनों फ्लैट आमने सामने है, आप अपना छोड़ के मेरा क्यों किराए पर ले रहे हो और यहाँ क्यों रहने आ रहे हो। मैंने कहा नहीं वो कोई कुछ लोग आ रहे हैं उनको मुझे अपना, तो कह रहा उनको मेरे यहाँ ठहरा दो। मैंने कहा ना, कह रहा मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह नहीं आप समझ नहीं पाओगे, आप मुझे देना चाहते हो आप मुझे दे दो। नहीं नहीं आ रहे, आपको मना कैसे कर सकते हो, हम रहे साल भर। लोगों ने पागल बोला मुझे कि यार याद है। मैंने कहा बॉस इस घर में मैं 15 साल रहा हूँ, मुझे इससे अटैचमेंट हो गई, वो अटैचमेंट को तोड़ना है, अगर अटैचमेंट नहीं तोड़ूंगा तो मैं जिंदगी में आगे नहीं निकल पाऊंगा। वो पहला स्टेप था हमारा गोवा आने का, है ना, और तब हमारी गोवा की प्लानिंग नहीं थी, समझे। पर आप अगर आज भी मैं अपने वो सीमेंट की बोरियों से, वो ईंट पत्थर से प्यार करता रहूं मैं कभी, तो ये क्या है। तू किसी का भी नाम उठा ले, इनमें से आधे लोगों ने अपने अलग घर खरीद लिए हैं पर रह वहीं रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट। जब तक वहां से परिस्थिति हॉकी निकाल के इनके पीठ पे दे दबा दब नहीं बजाएगी, ये नहीं निकलेंगे वहां से, नहीं निकलेंगे। यार वो हमारे बॉम्बे वाले चाल में आज भी रह रहे हैं, फ्लैट खरीद लिया है फिर भी चाल में रह रहे हैं, चाल के सामने शराब का ठेका खुल गया फिर भी वहीं रह रहे हैं, शराबी रोज आकर के पी रहे हैं, घर में जवान बच्चे हैं फिर भी वहीं रह रहे हैं, अपना फ्लैट किराए पे दे, क्योंकि वहां अटैचमेंट है कि मैं छोड़ दूंगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, ये होगा, कोई कब्जा कर लेगा, कोई ये कर लेगा, वो कर लेगा। हमने अपने फ्लैट छोड़ डाले दिल्ली में, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती है क्या कि कुछ सीमेंट की बोरी और कुछ ईंट पे आपकी जिंदगी चली जाएगी। जब ऊपर हम रह रहे थे तब वो नीचे से आए थे ना, वेना बोल रहे क्यों आखिर क्यों यहाँ क्यों रह रहे हो, लोगों को लग रहा होगा शायद ना बेचारे बर्बाद हो गए इसलिए टीन टप्पर में रह रहे। वो शुरुआत थी, हम अपने फ्लैट को, हमने इसको बोलते हैं न्यूनतमवाद, ये अपना बढ़िया लग्जरी फ्लैट होते हुए हम 11,000 रुपए बगल वाले फ्लैट में रह रहे थे, है ना। उसके बाद में हमने वो 11,000 बचाने के लिए ऊपर जो मेट्रो शीट के कमरे बनाए थे हमने उसमें रहे,
इससे हमारे अब तुम्हें ये बहुत बढ़िया लग रहा है। यही मैं कहने वाले थे कि वो उसमें रहने के बाद हमें हो गया कि हाँ मतलब कैसी भी जगह रहने के लिए ढकने के लिए दीवार चाहिए। घर की हमने स्कूल के ऐसे में जो घर का हमने ऐसे लिखते थे तो उसमें ये लिखते थे कि मकान आपको कुदरती आपदाओं से बचाता है, गर्मियों में धूप से बचाता है, तेज लू से बचाता है, सर्दियों में शीतलहर से बचाता है, बारिशों में बारिश से बचाता है, ये है घर। पर आज घर की परिभाषा ये है कि यार मौसा जी से बड़ा घर होना चाहिए और फूफा को तो चमकाना है, ये वह है घर की परिभाषा। अपने घर के बाद हमें महागुण मॉल के महागुण जो गौर अपार्टमेंट बना था उसके फ्लैट छोटे लग रहे थे, वो भी नहीं अच्छा लग रहा था हमको। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अटैचमेंट को तोड़ना पड़ेगा, और अटैचमेंट जिंदा आदमी के साथ तो फिर भी, हालांकि वो भी गलत है, पर फिर भी एक बार को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको अपने माँ से, अपने बाप से, अपने किसी से अटैचमेंट है। ईंट पत्थर से कैसे अटैचमेंट हो सकती है, गाड़ी से कैसे अटैचमेंट हो सकती है, उसमें तो जान नहीं है। हमारे पापा का मकान है, मर जाओ तो क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मर्डर करते रहते। कई गाँव में ऐसे होता है कि आधा खानदान जेल में पड़ा है, वो छूट गया था, वो उसको गोली मार देता, वो छूट गया था, क्योंकि बाप दादा की जमीन है, चाट लो, क्योंकि महाभारत से यही तो सीखा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी। महाभारत में अगर ये कहा जाता कि छोड़ो यार हटाओ, उसको क्या चाहिए, पूरा चाहिए, सही गलत के फेर में मत पड़ो, दे दो उसको पूरा, पूरा दे दो, जीत लेने दो उसको। वो आदमी इतना मूर्ख है, इतना अहंकारी है, खुद ही अपना तबाह कर देगा सब कुछ, तुम जाओ अपने नया सल्तनत नहीं बनाओ, नहीं हम सही गलत के पीछे फेर में पड़ेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये इंसान को रोक रही है। मतलब आप एक ही जगह पैदा हुए, वहीं पर उनके बच्चे पैदा हुए, मतलब मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ उनके बच्चे भी उसी घर में पैदा हुए, उसी मोहल्ले में। अच्छा, इनके जब पैसा आ गया, इन्होंने चार मकान भी अपने मोहल्ले में खरीद डाले। मान लो आदमी नन्नगरी रहता है, वो नन्नगरी में चार मकान खरीद लेगा, वो कभी भी नन्नगरी से निकल करके सुंदर नगर नहीं जाएगा, वो कभी भी लुटियन जोन नहीं जा सकता, चाणक्यपुरी। तुझे लगता है कि जमुना पार का बंदा कभी भी अरबपति बनने के बाद में चाणक्यपुरी में रहेगा? नहीं रहेगा। वो आधा जमुना पार खरीद लेगा पर कभी भी चाणक्यपुरी में डिफेंस कॉलोनी में जाके नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रह भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर उसको गलियों में रोज अपने गली में अपने घर के बाहर औरतों के बैठना है, फिर वो तुमने क्या बनाया जी, और फिर पड़ोसी में नालियों के लिए झगड़ा कैसे करोगे, पार्किंग के लिए झगड़ा कैसे करोगे, पानी की प्रॉब्लम ही नहीं, पानी की समस्या, तुम्हारे जीवन से सारे तुम्हारे एंटरटेनमेंट निकल जाएगा, पानी भरना होता रहता है, तुम्हारे जीवन से तुम्हारा जीवन का मनोरंजन निकल जाएगा, इसलिए कभी भी नहीं जाएंगे। पैसा आएगा वही गली में 10 मकान खरीद लेंगे। जब मैं जलंधर गया था, मामा जी कह रहे सोनू तेनू पता है हुन साडे इत्थे दा रेट किन्ना हो गया, जब मैं इत्थे घर लिता सी इन्ना, अज तो 10 साल पहला इन्ने दा सी मकान, हुन वेख लै अज इन्नी कीमत हो गई है। वो खुश हो रहे, इन्ने इन्ने दी कोठी पाली इत्थे, एदा शोरूम करके कीमत वध गई, ये हो गया। मैंने कहा मामा जी जरा बस्ती से बाहर निकल के देखो, जितनी कीमतें यहाँ की बड़ी है ना, उतनी मॉडल टाउन और बाकी जगह की भी इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। आपके और वो मॉडल टाउन रहने वाले के बीच का जो डिफरेंस है वो आज भी उतना ही है, बल्कि बढ़ी गया होगा। आप ये करो, ये मेरा 10 लाख का मकान 50 लाख का हो गया, तो भाई जिसका वहां पर 50 लाख का था उसका भी तो 2.5 करोड़ का हो गया, तुम्हारे इस और उसके बीच का डिफरेंस घटा नहीं है बल्कि बढ़ा ही होगा। पर आप इस बात में इतरा सकते हो बॉस, अगर आपका मकान 10 लाख का 50 लाख का हो गया और 50 लाख का बेच करके आप फिर 50 लाख का ही खरीदते हो तो आपको क्या फायदा? फायदा तब है जब 10 लाख का मकान 50 लाख का हो गया और आपने उसको बेच दिया, 50 लाख रुपया लिया और उसमें जाकर के फिर 20 लाख का कहीं पे दूर जाके मकान खरीदे 30 लाख रुपया, तो आप कह सकते हो अब उसकी कीमत बढ़ गई, पर आपको रहना भी तो वही है, तो आपके लिए तो कागजों में कीमत बढ़ी ना, आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, हैं कैसे करोगे? चलो यार सबा बर्खास्त,